So alright, the motivation of this video. This video is to aware the school students. School students, especially girls. आपने देखा होगा काफ़ी बार स्कूल्स में मारपीट होती है, छेड़छाड़ होते हैं, ऐसे काफ़ी सारी न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में कि उस स्कूल में उस छात्र को इतनी बहरीमी से पीटा कि उसकी डेथ हो गई या उसका कोई भी इंजरी हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट इंजरी हो गया। या फिर आपने काफ़ी बार न्यूज़ पढ़ी होंगी रेप की कि उस टीचर ने उसके साथ रेप कर दिया, उससे छेड़छाड़ कर दी, तो काफ़ी सारी पढ़ी होंगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रो। Up and just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside when you... सो राइट, तो हमारे पास यहाँ दो कैटेगरीज होती है, एक मारपीट की, एक छेड़छाड़ की। इट्स अ टोटली डिफरेंट विद ईच अदर। यस, मारपीट में आपके साथ मारपीट हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी स्कूल्स में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, विर्चुअली ट्रीट करते हैं वो, मतलब उसको उनको फिजिकल टॉर्चर करते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप इस चीज़ से बचने के लिए? अपनी प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख सकते हो इसके बारे में। अगर प्रिंसिपल से बात ना बने तो आप BEO को लिख सकते हो। BEO होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अगर आपका जो स्कूल है वो एक किसी तहसील में है, किसी गांव में है, तो आप BEO को कंप्लेन कर सकते हो, एक एप्लीकेशन लिख के इस बारे में आप बता सकते हो। अगर वहाँ बात ना बने तो आप DEO को लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। सो ये तो हो गई कुछ मारपीट की बातें। अब बात हम करेंगे छेड़छाड़ की। अगर आपके साथ छेड़छाड़ होती है तो क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग सोचते हैं कि टीचर्स हैं, आई मीन गुरुजी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रखते हैं, इफ़ यू आर ऑफ दैट टाइप ऑफ कैटेगरी, यू आर फकिंग योर टाइम। यस, यू आर फकिंग ऑफ योर टाइम। यस, यू कैन वॉच दिस वीडियो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक टीचर के साथ, एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर कैसा करता है। सो द वीडियो इज हियर। ओके, तो हम बात करेंगे कि छेड़छाड़ में आता क्या है। जो छेड़छाड़ है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? छेड़छाड़ में हो गया फिजिकल टॉर्चर, कोई टीचर का किसी छात्रा के साथ फिजिकल टॉर्चर करना, कोई इमोशनल टॉर्चर करना, इमोशनल इन द सेंस कोई भी धमकी देना या फिर ऐसी बातें कहना कि भाई मेरे साथ ये कर दे नहीं तो मैं तेरे मार्क्स कम लगाऊंगा, या फिर कुछ भी, वट एवर इट इज़, इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब करके कोई भी छेड़छाड़ करे। फिर आ गया सेक्सुअल, आई मीन कोई भी बॉडी पार्ट टच करना, कोई भी बैक टच करना, कोई भी किसी बहाने से हाथ टच करना, प्राइवेट पार्ट टच करना, तो इसमें आता है सेक्सुअल हरासमेंट में आ गया ये कुछ कैटेगरीज। लेकिन अगर आपके साथ ये सब हो तो आपको क्या करना चाहिए, आई मीन क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए? तो प्रोसीजर सिंपल है। फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से नीचे है, आई मीन अगर आप एक बच्चे हो तो आपको पोक्सो एक्ट के तहत कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। 18 साल से अगर कोई पर्सन नीचे है या फिर कोई बच्चा है तो उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वो इसमें कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपकी जो एज 18 साल से अबव है, आप एक मेजर पर्सन हो, तो आपको सीधी FIR लिखानी है, पुलिस कंप्लेन करनी है। करना कुछ नहीं है आपको, सीधी जो सारी आपके साथ जो भी घटना घटी है वो आपको पुलिस वालों को बतानी है और वो FIR लिखेंगे। अगर यहाँ बात नहीं बनती, वो FIR नहीं लिखते हैं, सपोज कोई स्कूल है, कोई नामी स्कूल है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर आता है, तो वो FIR ना लिखें आपकी, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। सो मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि अगर आपके साथ स्कूल में छेड़छाड़ हो तो आप स्टेप्स उठाइए। ओके, सो नो नीड टू अफेयर फ्रॉम टीचर्स। कोई वो भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, टीचर है, गिल्टी माइंड है, अगर गलत करते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो यू कैन लीव योर क्वेश्चंस ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज। मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।